भागलपुर पुलिस का एक अजीबोगरीब मामला, थाने में महिला ने केस दर्ज भी नहीं कराया, फिर भी दर्ज हो गए और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। भागलपुर पुलिस का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें मामला दर्ज करने वाली महिला खुद कह रही है कि उसने कोई मामला थाने में दर्ज नहीं करवाया है। पुलिस अपने मन से मामला दर्ज कर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। दरअसल यह मामला जिले के कहलगांव थाने का है, जहां 3 जुलाई 2022 को कुलकुलिया निवासी महादलित महिला जानकी देवी की ओर से थाने में जाते सूचक शब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था, जिसमें धनिक लाल यादव, नकुल यादव, बबुल यादव और सोनू कुमार पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी और जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया गया था। वहीं अब महिला का कहना है कि उसने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। लेबर कार्ड बनाने के नाम पर उसका अंगूठा का निशाना लिया गया था और आधार कार्ड पर भी अंगूठे का निशान लिया गया था। महिला का कहना है कि उसने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, किसी ने झूठा मामला दर्ज कराकर दूसरों को फंसाने का काम किया है। वहीं केस में नाम आने के बाद पीड़ित पक्ष भी परेशान है। इन लोगों का कहना है कि जमीन कब्जा करने को लेकर कहलगांव थाना प्रभारी और सांसद के भतीजे के साथ साथ अन्य लोगों के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करा कर जमीन पर कब्जा करने की कवायद की जा रही है। वहीं मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जहां महिला ने कोर्ट के समक्ष बयान दिया है कि उसने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट का क्या निर्देश मिलता है और झूठे केस पर किन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर रविवार को अजगैवीनाथ धाम में हजारों डाक कंवरियों ने उत्तर वाहिनी गंगा जल भरकर देवघर हुए रवाना। बोलबम के नारों से अजगैवीनाथ धाम सहित कच्ची कांवरिया पथ हुए गुंजयमान। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवार को लेकर रविवार को हजारों डाक कांवरिया ने अजगैवीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में जल भरकर रिमझिम बारिश होने पर बोलबम के जयकार लगाते हुए देवघर बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। साथ ही डाक कांवरियों ने तिरंगा झंडा लहराते हुए बोलबम के नारे लगाते हुए देखे गए। वहीं डोरीगंज के डाक कांवरिया सौरभ कुमार दास ने बताया कि देश में सुख शांति के लिए देवघर बाबा भोलेनाथ के दरबार हाजिरी लगाने जा रहे हैं, इसलिए भारत माता का तिरंगा लहराते हुए बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही बेगूसराय बांका सहित अन्य जगहों के महिला एवं पुरुष डाक कांवरियों ने बताया कि 16 से 17 घंटे में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। हर वर्ष अपने जीवन में सुख शांति के लिए अजगैवीनाथ धाम से जल लेकर देवघर बैद्यनाथ धाम जाते हैं। इसकी लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाट में SDRF की टीम एवं महिला पुलिस बल एवं पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही नगर परिषद द्वारा गंगा घाट सहित मेला क्षेत्र में साफ सफाई अभियान युद्ध स्तर से किए जा रहे हैं। स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही थी। सौभाग्य और सुहाग का पर्व हरियाली तीज महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने हरी परिधान में नाच गाने के साथ जमकर की मस्ती। भागलपुर सावन के पावन महीनों में सौभाग्य और सुहाग का पर्व हरियाली तीज भागलपुर की महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। एक तरफ जहां अखिल भारतीय महिला मारवाड़ी मंच की महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाकर बधाइयां देकर तीज का पर्व मनाया, साथ ही साथ तीज के उपलक्ष पर विभिन्न स्थलों को लगाकर मेले का आयोजन करते हुए हरियाली तीज पर्व उत्साह पूर्वक मनाया। वहीं दूसरी ओर सावन आया हरियाली तीज फेस्टिवल का आयोजक रूपा साह एवं रूपम चतुर्वेदी के द्वारा स्थानीय होटल में आयोजित की गई। इस हरियाली तीज महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, कार्यक्रम के आयोजक रूपा शाह और रूपम चतुर्वेदी के साथ साथ नीलू वर्मा, पिंकी, इंदु, मुन्नी, रेनू, नूतन, मोना, पूनम जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर दिए। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत श्रेया शाह ने गणेश वंदना से की। इस कार्यक्रम में सभी महिलाएं हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरी साड़ी, हरी घाघरा के साथ 16 सिंगार कर उपस्थित थी, जिससे कि पूरा माहौल हरियालीमय हो गया था। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सावन के गीत एवं अन्य गीतों के साथ डांस कर कार्यक्रम में 4 चांद लगाया, जिसमें नीलू वर्मा के कजरा मोहब्बत वाला गाना पर महिलाओं ने खूब मस्तियां की। वहीं महिलाओं ने अपने नृत्य से सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर सारी महिलाओं ने रैम वॉक करते हुए सावन की हरियाली तीज पर खूब मस्तियां। आगामी होने वाले मनसा पूजा को लेकर मनसा पूजा कमेटी के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें जिला के तमाम पूजा समिति के मेड़पति थे मौजूद।
आगामी होने वाले मनसा पूजा को लेकर मनसा पूजा कमेटी के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें जिले के तमाम पूजा समिति के मेन पदेद मौजूद थे। बैठक की शुरुआत विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित करके और आए हुए सम्मानित सदस्यों को माला पहनाकर बुके देकर किया गया। बैठक में प्रतिमा स्थापित से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक की होने वाली सभी बड़ी छोटी समस्याओं पर विचार किया गया। मीडिया से बात करते हुए पूजा समिति के अध्यक्ष भोला मंडल ने कहा कि विगत 2 सालों से कोविड को लेकर मनसा पूजा स्थगित थी, लेकिन इस बार सामान्य होने के कारण जो भी जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, वह सारे नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से पूजा करेंगे। आज दिनांक 31 जुलाई 2022 दिन रविवार ईदगाह मैदान शाहजंगी में मुहर्रम की 1 तारीख में भागलपुर के विभिन्न मोहल्ले खलीफा उपस्थित हुए। इस कमेटी के अध्यक्षता हाजी मजहर अख्तर सकील की अध्यक्षता में मुहर्रम सेंटर कमेटी की शुरुआत की गई। उस शुरुआत में कार्यकारी संयोजक वर्दी खान, सह संयोजक प्रोफेसर एजाज अली, रोज सह संयोजक महबूब आलम, सह संयोजक मोतकी अहमद जावेद, मो हिमायून भोला खान, जीजा हुसैन, मिंटू कला जुम्मन अंसारी, निजात अंसारी, मो मेराज, मो मुन्ना, जियाउल हक, सैफुल अंसारी एवं मोहल्ले के सभी खलीफा एवं जिम्मेदार लोग उपस्थित थे और अपनी अपनी समस्याएं कमेटी के सामने रखी। उस समस्या में बिजली की व्यवस्था, भोलानाथ पुल जो कि बारिश के कारण पूरी तरह से पानी भर लिया जाता है, इसको मुहर्रम कमेटी एवं दुर्गा काली और श्रावण के अभी 13 शुभ अवसर पर दुरुस्त किया जाए, साफ सफाई किया जाए, सफाई नगर निगम द्वारा कराई जाए, साथ में मेडिकल क्राइम की व्यवस्था की जाए और जिला प्रशासन से मांग करती है चौके चौराहे पर पुलिस की विधि व्यवस्था को रखते हुए दुरुस्त किया जाए। आर्म सेंटर कमेटी भागलपुर के विभिन्न मल्लू से आए हुए सभी लोगों का सायरो मतदान किया और स्वागत किया। इस स्वागत में मोहम्मद अली, मोहम्मद सिकंदर एवं साजन की मजार कमेटी के सभी जिम्मेदार लोग उपस्थित थे। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को उनके 142वें जयंती पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया याद। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 142वीं जयंती के अवसर पर हरिजन आवासीय विद्यालय कंपनी बाग में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौके पर IDSO के जिलाध्यक्ष प्रणव कुमार ने कहा कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद अपनी लेखनी से आम लोगों के अंतर्मन को छूने, उनकी समस्याओं को मार्मिक रूप से चरित्रित चित्रण करने, वो समाज में प्रेम भाईचारा स्थापित करने पर विशेष बल दिए हैं। शोषित के दर्द वो उनके मन के मर्म को उपन्यास की पंक्ति में पिरोने, उपन्यास को बेहद खास तबके की हिंदी से निकालकर आम लोगों की बोलचाल भाषा बनाई है। साथ ही साथ लिखे उपन्यास आज भी युवाओं को मानवता और राष्ट्रभक्ति का पाठ सिखाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रेमचंद सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए दैनिक जीवन की तमाम दुश्वारियों को अपनी कहानियों में डाला। उनके शब्दों का अनुसरण हो जाए तो शायद सारी विषमताएं समाप्त हो जाए। कार्यक्रम के दौरान IDSO के राज्य अधीक्षक रोशन कुमार रवि, जिलाध्यक्ष प्रणव कुमार, जिला सदस्य टार्जन कुमार, अंबेडकर स्कूल के शिक्षक संतोष कुमार, रितेश, हैप्पी, अंकित, सत्यम, अभिषेक के अलावे दर्जनों स्कूली छात्र भी मौजूद थे। भागलपुर जिले में कुल 114 महिलाओं को सरकार के द्वारा लघु कुटीर उद्योग के तहत मिली है राशि। उद्योग विभाग के GM लगातार उद्यमियों के स्थल का कर रहे निरीक्षण। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महिला उद्यमी योजना के तहत भागलपुर जिले में कुल 114 महिलाओं को सरकार के द्वारा चयन कर नए लघु कुटीर उद्योग लगाए जाने को लेकर प्रथम किस्त का सहयोग राशि प्रति लाभुक 4 लाख रुपए दे दिया गया है, जिसके बाद लाभुकों के द्वारा नए उद्योग लगाए जाने को लेकर इसका ढांचा भी तैयार किया जा रहा है। लगातार उद्योग विभाग के GM संजय कुमार वर्मा के द्वारा नए उद्यमियों को प्रेरित करते हुए उनके द्वारा उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए बनाए जा रहे हैं स्थलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज संजय कुमार वर्मा ने उद्यम सुटी कुमारी द्वारा तेल मिल स्थापित किए जाने को लेकर बनाए गए नवनिर्मित ढांचा का निरीक्षण करने पहुंचे और उनके तेल मिल के लिए
बनाए गए स्ट्रक्चर को देखकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए खादी मॉल में उद्यमी के द्वारा बनाए गए सरसों तेल को बेचे जाने की बात कही। साथ ही उद्योग विभाग के जीएम ने सोमवार तक नए उद्यमी को दूसरा किस्त जारी किए जाने की बात भी कही है। वहीं सरकार के द्वारा उद्यमी योजना से लाभान्वित उत्साहित स्वीटी कुमारी ने बताया कि सरकार के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और वह उद्यमी योजना के तहत सरसों तेल मिल स्थापित कर रही है। जल्दी इसके मिल से शुद्ध गुणवत्तापूर्ण सरसों तेल लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। प्लास्टिक कलेक्शन इनोवेटिव कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास। बच्चों को प्लास्टिक जमा करने पर मिल रहे क्रेडिट सर्टिफिकेट, उच्च शिक्षा में बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2022 के अंतर्गत भागलपुर नगर निगम एवं भारत सरकार के स्टार्टअप कंपनी जीरो वेस्ट सर्कुलर सॉल्यूशन के संयुक्त प्रयास से पूरे भागलपुर शहर को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में काम जारी है। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए सभी स्कूली बच्चों को इस दिशा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस कड़ी में भागलपुर के जीरो माइल के निजी स्कूल में एक प्लास्टिक कलेक्शन का इनोवेटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में सभी स्कूली बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाएं और स्कूल के अन्य सदस्यों ने अपना अपना योगदान प्लास्टिक देकर किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की एक सुधी प्रयास किया गया। बच्चों द्वारा दिए गए प्लास्टिक के एवज में उनका एक पासबुक खुलवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चों को प्लास्टिक के वजन के अनुसार क्वाइंस दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल बच्चे स्कूल के कॉपी किताब खरीदने के लिए खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को कावन क्रेडिट कार्ड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे जान पाएंगे कि प्लास्टिक जमा के बदले उन्होंने पर्यावरण को कितना बचाया है। सर्टिफिकेट का उपयोग बच्चे भविष्य में उच्च शिक्षा में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूल को एक बैंक के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें स्कूल को एक डैशबोर्ड शेयर किया जाएगा, जिससे कि वो अपने स्कूल के कार्बन क्रेडिट को दिखा सकेंगे। इस डैशबोर्ड से स्कूली बच्चे द्वारा जमा किए गए प्लास्टिक के बदले में पूरे स्कूल के कुल कार्बन क्रेडिट भी देखा जा सकेगा। प्राप्त प्लास्टिक को भारत सरकार के नियमानुसार पुनः उपयोग सड़क बनाने में, सीमेंट फैक्ट्री में एवं कुर्सी टेबल बनाने एवं अन्य कार्यों में उपयोग किया जाएगा।